नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। फिल्मों को लोग भारतीय समाज का एक प्रमुख हिस्सा और समाज का आईना मानते हैं। ऐसे में जब फिल्मों में कोई ऐसे सीन्स होते हैं जिससे किसी धर्म का अपमान हो, तो वही लोग इसका विरोध भी करते हैं। अब हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर को ही ले लीजिए, जिसके एक सीन के दौरान आलिया भट्ट एक आध्यात्मिक गुरु की तस्वीर को देखकर कहती हैं कि इन गुरुओं की वजह से मैंने किसी अपने को खोया है। इस लाइन को लेकर फिल्म क्रिटिक की ओर से भी गलत बताया गया है। वहीं जब नाम आलिया भट्ट का आता है तो बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस कंगना भला कैसे शांत रह सकती हैं? उन्होंने इस फिल्म की आलोचना करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है, सटीक अवलोकन, क्या वो गुरु को मौलवी और कैलाश स्कैंडल को मक्का स्कैंडल से बदल सकते हैं? साधुओं की लिंचिंग की घटनाओं का इन्हीं पूर्वग्रहों से संबंध है। आखिर क्यों इन पाकिस्तानी एजेंटों को भारत में पूर्वग्रह और धार्मिक विद्वेष फैलाने की इजाजत है? आप देख सकते हैं कि कंगना ने दावा किया है कि फिल्म हिंदू विरोधी है और हिंदू भावनाओं को आहत करती है। सुशांत सिंह की मौत के बाद से लोग पहले ही नेपोटिज्म का मुद्दा उठाते हुए फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे थे। अब एक बार फिर ये फिल्म निशाने पर है और फिल्म निर्माता महेश भट्ट को सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म 1991 में आई फिल्म सड़क का सीक्वल है, जिसमें संजय दत्त, आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर जैसे सितारे मुख्य किरदार में हैं। और ये फिल्म 28 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी।